नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। परिवहन विभाग द्वारा होली पर्व पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 270 स्पेशल बसें चलाई जा रही हैं। ये बसें दिल्ली, कानपुर और लखनऊ को जाएंगी। पहले से ही चल रही बसें भी यात्रियों की सुविधा के लिए उपलब्ध रहेंगी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी लव कुमार सिंह ने बताया कि होली पर्व पर हर साल विशेष प्रबंध किए जाते हैं। जितने भी दूर के यात्री हैं जो कि दिल्ली, लखनऊ, कानपुर जाना चाहते हैं या आना चाहते हैं, उसके लिए 270 स्पेशल बसों का संचालन किया जा रहा है। इन बसों में यात्रियों की सुविधा के लिए कर्मचारियों की भी अलग से ड्यूटी लगाई गई है। यदि कहीं भीड़ ज्यादा होगी तो बसों की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि विभाग को 120 नई बसें प्राप्त हुई हैं। इन नई बसों का लाभ यात्रियों को मिलेगा। मंडल के यात्रियों जैसे कि कुशीनगर, देवरिया और महाराजगंज के यात्रियों के लिए बसों के फेरों को बढ़ा दिया गया है। ये बस सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी लव कुमार सिंह ने सभी यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे इन विशेष प्रबंधों का लाभ उठाएं। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी लव कुमार सिंह ने कहा, होली पे जैसे हमारी हर साल हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, तो हमारी जितनी भी लॉन्ग रूट की बसेज हैं दिल्ली, कानपुर और लखनऊ, इन तीनों मार्ग पे हमारी बसेज जो चलती हैं उनके अतिरिक्त हमारी 270 बसेज रहेंगी। और वो 270 बसेज हमारी कल से ही स्टार्ट हो जाएंगी, ताकि जो लोग भी वहाँ से लौट रहे हैं, क्योंकि फ्राइडे के बाद फ्राइडे से ही लौटना स्टार्ट हो जाएगा। आज थर्सडे है तो सैटरडे संडे छुट्टी है, उसके बाद होली है, तो ये फुटफॉल हमारा वैसे ही बढ़ जाएगा। इसी की तैयारी हम लोगों ने कल कर ली थी और आज से बसें प्रस्थान कर गई हैं। जो भी यात्री वहाँ से लौटना चाह रहे हैं उनको कोई शिकायत, कोई दिक्कत ना हो, हमारी बसेस में हम लोगों ने 31 बिंदु की पॉइंट एक चेकिंग होती है उसको कराते हुए सारी बसेस प्रस्थान की हैं कि कोई भी समस्या बसों में ना हो और यात्रियों को भरपूर लाभ मिले। इसके अलावा हमारे जो बस स्टेशन हैं उनकी भी साफ़ सफाई, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था हम लोगों ने सुनिश्चित कराई है, ताकि जो भी भीड़ बढ़े उसकी हम लोग की पूर्व से व्यवस्था रहे। इसके अलावा हमारा जो लोकल संचालन है इसमें देवरिया, तमकुही, पडरौना, महाराजगंज, छोटी बारी, ये जितने मार्ग हैं इन पे हमारी बसेज भरपूर मात्रा में चलती हैं। इनके भी हम लोगों ने फेरे बढ़ा दिए हैं, इन बसों के हम लोगों ने लगभग फेरे डबल कर दिए हैं, ताकि जो भी भीड़ हो हम केटर कर सकें और हमारे बस स्टेशन पे जो भी यात्री हैं उनको हम सुविधा प्रदान कर सकें। नगर निगम के द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर जल को बचाने के लिए महानगर में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसके संबंध में जोनल इंचार्ज अभिनव कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यह रैली नगर निगम के द्वारा निकाला गया है, जिससे कि जल को संरक्षित करने के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके। ये नगर निगम की IC टीम है जो कि जागरूकता का कार्य करती है। मेरा लोगों से अपील है कि जल को संरक्षित करिए, क्योंकि जल है तो कल है, इसलिए आने वाले जो बच्चे हैं उनको बताया जाए, क्योंकि बहुत से लोग नदियों में गंदा पानी गिराते हैं, इसके साथ ही नदी में कूड़ा फेंकते हैं, ये कार्य न करें। हम लोगों को कल के भविष्य के लिए आज सोचना पड़ेगा। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए नगर निगम के जोनल इंचार्ज अभिनव कुमार श्रीवास्तव ने कहा, आज जो रैली निकली है नगराज महोदय द्वारा जो रैली निकाला गया है ये जल संरक्षित करने के ऊपर निकाला गया है। हम लोग नगर निगम से IC टीम जो कि अवेयरनेस का काम करते हैं, जागरूकता का जो हम लोग काम करते हैं, और लोगों से मेरी यही अपील है कि जल को संरक्षित करिए, जल है तो कल है, तो आने वाले जो भी हम लोग भविष्य जो बच्चे हैं उनको बताया जाए। और जो ये नदियों तालाबों में जो ये गंदगी मचाए रखे हैं, जो पॉलीथीन का यूज़ कर रहे हैं, पॉलीथीन फेंक दे रहे हैं, गंदगी फेंक दे रहे हैं, तो इस चीज़ को ना करें, क्योंकि कल के भविष्य के लिए आज हम लोग सोचना पड़ेगा, आज हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा। तो मेरी जनता से ये अपील है कि सब लोग आइए, पूरी नगर निगम टीम हम लोग को सपोर्ट कर रही है, तो जल को संरक्षित करना सबसे सुरक्षित है। मेरा नाम है अनुभव कुमार श्रीवास्तव, जोनल इंचार्ज नगर निगम गोरखपुर, हम लोग IC टीम से। राजघाट पुलिस व SSB की संयुक्त टीम ने लोकसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया, जिसके संबंध में CO कोतवाली गौरव सिंह त्रिपाठी ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए एरिया डोमिनेशन व फ्लैग मार्च SSB जवानों के साथ किया गया। इसमें हम लोग कोतवाली सर्किल के तीनों थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं, जिससे लोग निर्भीक होकर मतदान कर सकें। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए CO कोतवाली गौरव कुमार त्रिपाठी ने कहा, चुनाव आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत व होली के त्यौहार के दृष्टिगत एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च की कार्रवाई थाना SSB टीम के साथ की जा रही है।
और सभी सतर्कता के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। देखिए थाना को जो सर्कल कोतवाली क्षेत्र के थाना राजघाट, तिवारीपुर और कोतवाली तीनों थाना क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जाए। एडीजी जोन के एस प्रताप व मंडलायुक्त अनिल ढिंगरा ने होली पर मुख्यमंत्री के निकलने वाले शोभा यात्रा के मार्ग का संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एडीजी जोन के एस प्रताप ने बताया कि होली पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पांडेहाता से घंटाघर चौराहे तक निरीक्षण किया गया। इसके अलावा ड्यूटी भी चेक की गई और रूट का जायजा लिया गया है। इसमें हर एक पॉइंट को चेक किया जा रहा है। होली पर ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया गया है। हम दो कंपनियों पीएसी व दो कंपनी सीआरपीएफ प्राप्त हुआ है, जो लगातार भ्रमणशील जाकर लोगों को सुरक्षा का एहसास दिला रहे हैं। इसमें एसएसपी स्वयं एक एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। होली पर चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी, जिससे हर्षोल्लास के साथ होली संपन्न हो सके। इस अवसर पर डीआईजी आनंद कुलकर्णी, एसएसपी डॉ गौरव ग्रोवर, एसपी सिटी कृष्ण बिश्नोई सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए एडीजी जोन के एस प्रताप ने कहा, होली पर्व को सकुशल संपन्न कराने हेतु ड्यूटी डिप्लॉयमेंट की चेकिंग, रूट व्यवस्था की चेकिंग में कमिश्नर साहब गोरखपुर मंडल, डीआईजी रेंज गोरखपुर मंडल, एसएसपी साहब, उनकी सारी टीम यहां आज मौजूद है। हर एक पॉइंट को चेक किया जा रहा है। आज सारी फोर्स की ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग भी होगी। हमें दो कंपनी पीएसी और दो कंपनी सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस भी प्राप्त हुए हैं, जो गोरखपुर पुलिस की बल को और सुदृढ़ करेंगे। किसी प्रकार की भी चूक ना हो, इसलिए एसएसपी साहब स्वयं हर एक चीज़ की जायज़ा ले रहे हैं। चाक चौबंद चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, ताकि हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ यह पर्व संपन्न हो। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉ गौरव ग्रोवर ने रविवार को होलिका दहन समिति के तत्वावधान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निकाले जाने वाली मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान ड्रोन कैमरे से मुख्यमंत्री योगी के शोभा यात्रा के मार्ग का जायजा लिया गया, जिसमें कुछ लोगों के छतों पर ईंट पत्थर पाए गए, जिसको हटाने के लिए संबंधित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया। इसके अलावा एसएसपी जवानों के साथ सभी मार्गों का निरीक्षण किया गया है। आपको बता दें कि 24 मार्च को होलिका दहन समिति के द्वारा पांडेहाता से निकलने वाली शोभा यात्रा में गोरख पीठाधीश्वर व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। ये शोभा यात्रा कई वर्षों से निकाली जाती है। ये शोभा यात्रा पांडेहाता से घंटाघर, नारमल, मदरसा चौक, घसीकटरा, ईदगाह रोड, आर्यनगर, नखास चौक, घंटाघर होते हुए पांडेहाता पर समाप्त होगी। उसके बाद होलिका दहन देर रात 12:23 से 1 बजे के बीच जलाया जाएगा। इस अवसर पर एडीएम एसपी सिटी कृष्ण बिश्नोई, सीओ कोतवाली गौरव कुमार त्रिपाठी, राजघाट थाना प्रभारी नितिन श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, आगामी होली के त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए जनपदीय पुलिस और प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां की जा रही हैं। विशेष रूप से पूरे जनपद में जहां जहां भी होलिका रखी जाती है और होलिका दहन का कार्यक्रम होता है, उन सभी जगह पर हमारे बीट कांस्टेबल्स और हल्का दरोगा द्वारा विजिट कर लिया गया है। वहां के आयोजकों के साथ संपर्क साध दिया गया है। सभी जगह पर जहां पर होलिका दहन हो रहा है वहां पर ड्यूटी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त जो रंग खेला जाएगा अगले दिन, तो उसके लिए भी हमारे पास जनपदीय पुलिस के साथ साथ पीएसी व सीएपीएफ की भी जो हमारे पास फोर्स है उसको डिप्लॉय किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन कैमरा और वीडियोग्राफी वीडियो कैमरा से सभी चीजों पर निगरानी रखी जाएगी। आपके माध्यम से मैं सभी जनपद वासियों को आगामी होली के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही साथ ये अपील भी करता हूं कि ये त्योहार आप अपने परिजनों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बड़े अच्छे ढंग से मनाएं, खुशहाली से मनाएं, और ये त्योहार आपके जीवन में संपन्नता लाए। और साथ ही साथ इस त्योहार को सकुशल संपन्न कराने हेतु आप पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। कोई भी ऐसी गतिविधि ना करें जिस वजह से कानून व्यवस्था पर कोई आंच आए या कोई भी ऐसी क्राइम की घटना आपके द्वारा ना की।